बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, क्लास सेकेंड ईयर, अस्सलामु अलैकुम। आई एम सर यासिर, योर कंप्यूटर साइंस टीचर। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट द नेक्स्ट यूनिट, विच इज़ यूनिट नंबर 4, कंट्रोल स्ट्रक्चर। आज हम कंट्रोल स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे। नॉर्मली इन C++ द प्रोग्रामिंग स्टेटमेंट्स आर एग्जीक्यूटेड इन अ सीक्वेंस इन विच दे आर रिटन। कि अगर हम नॉर्मली अगर अपने प्रोग्राम में कंट्रोल स्ट्रक्चर यूज़ ना करें तो हमारी जो प्रोग्रामिंग स्टेटमेंट हैं, जिस सीक्वेंस में हम स्टेटमेंट्स लिखते हैं, उसी सीक्वेंस में एग्जीक्यूट होती हैं। जो फर्स्ट स्टेटमेंट हम लिखते हैं वो पहले एग्जीक्यूट होती है, जो सेकंड स्टेटमेंट लिखते हैं वो उसके बाद एग्जीक्यूट होती है, अप टू सो ऑन। प्रोग्राम आपका सीक्वेंस में एग्जीक्यूट होने के बाद एंड हो जाता है। बट सम टाइम यूज़र वांट टू चेंज द ऑर्डर ऑफ द एग्जीक्यूशन ऑफ स्टेटमेंट्स। लेकिन सम टाइम यूज़र्स की रिक्वायरमेंट होती हैं कि स्टेटमेंट जिस आर्डर में उसने लिखी हैं वो उस आर्डर में एग्जीक्यूट नहीं करना चाहता। सम टाइम वो सर्टन स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट करना चाहता है ऑन द बेसिस ऑफ सम कंडीशन, एंड सम टाइम वो कुछ स्टेटमेंट्स को रिपीट करवाना चाहता है। अब दोनों सूरतों में, अगर वो कुछ स्टेटमेंट्स को कंडीशन की बेस पे एग्जीक्यूट करना चाहता है या कुछ स्टेटमेंट्स को रिपीट करवाना चाहता है, दोनों केसेस में आपकी प्रोग्रामिंग स्टेटमेंट्स के एग्जीक्यूशन का आर्डर क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो इस पर्पस के लिए जो हम स्टेटमेंट्स यूज़ करते हैं, दे आर कॉल्ड कंट्रोल स्टेटमेंट्स। तो बेसिकली कंट्रोल स्टेटमेंट्स आर यूज टू चेंज द आर्डर ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ स्टेटमेंट्स। कि अगर आप जिस आर्डर में स्टेटमेंट्स लिखते हैं उस आर्डर के बजाय सर्टन स्टेटमेंट्स को कंडीशन के साथ और सर्टन स्टेटमेंट्स को जो है वो आप रिपीट करवाना चाहते हैं, तो उस पर्पस के लिए जो स्टेटमेंट्स यूज़ करेंगे उन्हें आप कंडीशनल स्टेटमेंट्स कहते हैं। तो देयर आर बेसिकली थ्री टाइप्स ऑफ कंट्रोल स्टेटमेंट्स: डिसीजन स्टेटमेंट्स, रिपीटिशन स्टेटमेंट्स एंड कंपाउंड स्टेटमेंट। द फर्स्ट वन इज़ कॉल्ड डिसीजन स्टेटमेंट। डिसीजन स्टेटमेंट जो है वो ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट्स को ऑन द बेसिस ऑफ सम कंडीशनल एक्सप्रेशन एग्जीक्यूट करवाती हैं। रिपीटिशन स्टेटमेंट्स जो है, जिन्हें हम लूप्स भी कहते हैं, वो सर्टन ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट्स को रिपीट करवाने के लिए यूज़ होती हैं। और कंपाउंड स्टेटमेंट्स इज द कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ। द फर्स्ट वन इज़ कॉल्ड डिसीजन स्टेटमेंट्स। डिसीजन स्टेटमेंट्स इज अ टाइप ऑफ कंट्रोल स्टेटमेंट्स विच चेंज द आर्डर ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ स्टेटमेंट ऑन द बेसिस ऑफ सम कंडीशनल एक्सप्रेशन। कि जो आपकी कंडीशनल डिसीजन स्टेटमेंट्स होती हैं, ये आपकी स्टेटमेंट्स के आर्डर को चेंज कर देती हैं। कैसे चेंज कर देती हैं? कि ये सर्टन ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट करती हैं ऑन द बेसिस ऑफ सम कंडीशन। कि आपकी स्टेटमेंट सिर्फ उसी सूरत में एग्जीक्यूट होती हैं जब आपकी गिवन कंडीशन ट्रू हो। अगर आपकी गिवन कंडीशन फॉल्स हो तो वो आपकी सर्टन ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट नहीं होती। सो डिसीजन स्टेटमेंट्स आर यूज टू एग्जीक्यूट सर्टन स्टेटमेंट्स इफ़ द कंडीशन इज़ ट्रू एंड सर्टन स्टेटमेंट्स इफ़ द कंडीशन इज़ फॉल्स। यानी अगर इसमें आपके पास चॉइसेस होती हैं कि अगर आपकी सर्टन कंडीशन ट्रू हो तो कौन सी स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट हों, और अगर आपकी कंडीशन फॉल्स हो तो कौन सी स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट हों। अब डिसीजन स्टेटमेंट्स, हमारे पास थ्री टाइप्स ऑफ हम डिसीजन स्टेटमेंट्स यूज़ कर सकते हैं, विच आर इफ स्टेटमेंट, इफ एल्स स्टेटमेंट्स एंड स्विच स्टेटमेंट्स। तो दीज थ्री डिसीजन स्टेटमेंट्स कैन बी यूज टू चेंज द आर्डर ऑफ एग्जीक्यूशन। द फर्स्ट वन इज़ कॉल्ड इफ स्टेटमेंट। अब जो हमारे पास पहली जो डिसीजन स्टेटमेंट है उसे हम इफ स्टेटमेंट कहते हैं। इफ स्टेटमेंट इज़ द मोस्ट बेसिक काइंड ऑफ डिसीजन स्टेटमेंट। इफ स्टेटमेंट इज़ यूज टू चेक ओनली वन कंडीशन। ये एक कंडीशन चेक करने के लिए यूज़ होती है, और अगर आपकी कंडीशन ट्रू हो तो इफ स्टेटमेंट की बॉडी के अंदर जो स्टेटमेंट्स हैं वो एग्जीक्यूट होती हैं, और अगर कंडीशन फॉल्स हो तो इसके पास अल्टरनेट ऑप्शन नहीं है। अब इसके फ्लो चार्ट को देख लें। ये हमारे पास कंडीशन है। अगर कंडीशन के लिए डायमंड का सिंबल यूज़ होता है फ्लो चार्ट में रिप्रेजेंट करने के लिए। अगर हमारी ये कंडीशन ट्रू होगी तो ये स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होंगी, और अगर कंडीशन फॉल्स है तो इसके पास अल्टरनेट ऑप्शन नहीं है, बल्कि इफ स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, एंड हो जाएगा। इसका हम जनरल सिंटैक्स दे सकते हैं। इफ़ हमारे पास रिजर्व वर्ड या की वर्ड है, उसके बाद कंडीशन है। अगर आपकी कंडीशन ये ट्रू होगी तो इफ़ की बॉडी के अंदर ये जो स्टेटमेंट वन से लेकर एन तक हैं ये क्या हो जाएंगी, एग्जीक्यूट हो जाएंगी। अगर आपकी कंडीशन फॉल्स है तो फिर इसके पास अल्टरनेट ऑप्शन मौजूद नहीं है। यानी इफ़ की बॉडी के अंदर जो है वो स्टेटमेंट वन से लेकर स्टेटमेंट एन तक जो है वो स्टेटमेंट्स हो सकती हैं। एक अगर आपकी स्टेटमेंट हो तो फिर आपकी जो
ब्रेसेस हैं वो ऑप्शनल होते हैं, और अगर आपकी एक से ज़्यादा स्टेटमेंट्स हों तो ब्रेसेस कंपलसरी हैं। इफ़ के हेडर के साथ जो है वो आपके सेमी कॉलन नहीं आएंगे, लेकिन जो बॉडी के अंदर जो स्टेटमेंट्स हैं उनके साथ सेमी कॉलन आएंगे। तो इफ़ में अगर आपकी गिवन कंडीशन ट्रू हो तो बॉडी ऑफ इफ़ विल बी एग्जीक्यूटेड, अगर आपकी कंडीशन ट्रू है तो बॉडी ऑफ इफ़ के अंदर जो स्टेटमेंट्स हैं वो एग्जीक्यूट होंगी, और अगर आपकी गिवन कंडीशन फॉल्स है तो इसमें अल्टरनेट ऑप्शन नहीं होता। यानी इफ़ स्टेटमेंट का यही एक ड्रॉबैक है कि अगर कंडीशन ट्रू है तो इसके लिए ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट्स मौजूद हैं, लेकिन अगर कंडीशन फॉल्स है तो इसके पास अल्टरनेट ऑप्शन मौजूद नहीं है। इसी चीज़ को हम प्रोग्राम से देखते हैं। एक सिंपल सा प्रोग्राम है, टॉप ऑफ प्रोग्राम पे हमने हेडर फाइल इंक्लूड आयो स्ट्रीम कानियो डॉट एच दो हेडर फाइल इंक्लूड की, उसके बाद मेन फंक्शन है इंट एम, हमने एक इंटीजर वेरिएबल एम डिक्लेयर किया जिसके अंदर हम स्टूडेंट के क्या स्टोर करेंगे, मार्क्स स्टोर करेंगे। क्लियर स्क्रीन का फंक्शन यूज़ किया, इंटर मार्क्स ऑब्टेन आउट ऑफ 100 ये हमारा मैसेज है, जो मार्क्स हम इनपुट करवाएंगे वो एम में स्टोर हो जाएंगे। अब हमारे पास इफ स्टेटमेंट है, इफ़ मार्क्स आर ग्रेटर देन 33, अगर आपके मार्क्स 33 से ग्रेटर हों, यानी एम के अंदर जो स्टोर्ड वैल्यू है अगर वो 33 से ग्रेटर है तो क्या मैसेज डिस्प्ले होगा, पास। अगर इसमें कंडीशन फॉल्स हो जाए तो इसके पास अल्टरनेट ऑप्शन मौजूद नहीं है। यानी इफ स्टेटमेंट में एक ही आपके पास ऑप्शन है, अगर आपकी कंडीशन ट्रू होगी तो ये आपको मैसेज डिस्प्ले करेगा पास, लेकिन अगर आपकी गिवन कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो देयर इज़ नो अल्टरनेट ऑप्शन फॉर इफ स्टेटमेंट। तो आज हमने जो चीज़ें पढ़ी वो हमने डिसीजन स्टेटमेंट के बारे में पढ़ी कि बेसिकली कंट्रोल स्टेटमेंट्स आर यूज टू चेंज द ऑर्डर ऑफ एग्जीक्यूशन, के नॉर्मली हमारी प्रोग्रामिंग स्टेटमेंट एक सीक्वेंस में एग्जीक्यूट होती हैं, लेकिन अगर आप उनका ऑर्डर चेंज करना चाहते हैं तो उसके लिए हम कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट यूज़ करते हैं। हमारे पास थ्री टाइप्स ऑफ कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट्स होती हैं, डिसीजन, रेपिटिशन और कंपाउंड स्टेटमेंट। फर्स्ट जो हमारे पास डिसीजन स्टेटमेंट है, डिसीजन स्टेटमेंट आर यूज टू चेंज द ऑर्डर ऑफ एग्जीक्यूशन ऑन द बेसिस ऑफ सम कंडीशन, अगर आपकी कंडीशन ट्रू होगी तो डिसीजन स्टेटमेंट स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट करेंगी, कंडीशन ट्रू नहीं है तो एग्जीक्यूट नहीं करेंगी। थ्री है इसमें इफ स्टेटमेंट, इफ एल्स स्टेटमेंट, स्विच स्टेटमेंट। इफ स्टेटमेंट हमारे पास फर्स्ट टाइम ऑफ डिसीजन स्टेटमेंट है जिसमें एक ही कंडीशन होती है, अगर कंडीशन ट्रू होगी तो ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होंगी, अगर कंडीशन फॉल्स हो तो इसमें अल्टरनेट ऑप्शन मौजूद नहीं है। एग्जाम्पल हमने इसकी की कि अगर आपके मार्क्स फॉर एग्जाम्पल 33 से ग्रेटर हैं तो ये पास मैसेज देगा, आप 33 से अगर लेस हो जाएं तो इसके पास अल्टरनेट ऑप्शन मौजूद नहीं है। तो डियर स्टूडेंट्स, आपने खुद से इफ़ स्टेटमेंट का एक प्रोग्राम बना के मुझे सेंड करना है ताकि मुझे आइडिया हो कि आपको इसकी किस हद तक समझ आई है। थैंक यू।